स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स, और हमारा जो डिटरमिनेंट्स का जो सीरीज चल रहा है उसका आज सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है हमारा। और आज हम मैट्रिसेस, अब्यू और डिटरमिनेंट सारणिक दोनों के कम्बाइंड नेचर पर स्टडी करेंगे, और वो है एडजॉइंट और इन्वर्स। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ है मैट्रिक्स, दैट मीन्स सहखंडज और प्रतिलोम, किसी अव्यूह का प्रतिलोम निकालना। प्रतिलोम हमने एक बार और निकाला है अव्यूह में, लेकिन वहाँ जो प्रतिलोम निकाला है वो डायरेक्ट उसको एक्सपांड करके, जिसमें मैंने आपको 15 ट्रिक्स बताया था, और उस समय मैंने डिस्कस किया था कि बाद में इन्वर्स एक बार और निकालेंगे, ये हम एडजॉइंट की सहायता से निकालेंगे। तो आज का वीडियो यदि मैं सीधा सीधा बोलूँ तो सारणिक और अव्यूह दोनों चैप्टर को मिला के जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सब मतलब दोनों को पढ़ने के बाद जो कंक्लूज़न निकलता है उस पर बेस्ड है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आज हम कंप्लीट उसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट और हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। एडजॉइंट या सहखंडज क्या होता है ये हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि यह केवल निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मतलब वर्ग अव्यूह का, केवल वर्ग अव्यूह का ही हम सहखंडज निकाल सकते हैं, किसी का भी नहीं निकाल सकते। पहला इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिए कि इसके लिए हमको मैट्रिक्स के बहुत से टाइप्स मैंने बताया था, जिसमें से एक प्रकार है उसका वर्ग अव्यूह, जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं बराबर होते हैं, उसी का सहखंडज निकलेगा। देखिए, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इस तरह से ये कोई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं a11, a12, a13 एंड सो ऑन, a21, n22, a23, 3x3 का ले लिया सपोज मैं, और a31, a32, a33, इस तरह से। अब मैंने इसको बताया था इसका कोफैक्टर निकालना, मतलब सहखंड निकालना। a11 यदि आप निकालोगे तो आपको मालूम है इस एलिमेंट को छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के, इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स को a11 निकालते हैं। तो आपको a11 निकालना पता है, फिर a12 निकाल लेंगे, a13 निकाल लेंगे, इस तरह से हम सबके कोफैक्टर निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे ये मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन लेके आपको उसको क्लियर करूँगा। और एक बात आप इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा उस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन बताऊँगा, और फिर उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में उतनी ही प्रैक्टिस जितनी हज़ारों क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की वेराइटी नहीं चेंज होती। तो एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज़ मोर देन सफिशियंट। आप भी यदि कॉन्फिडेंस है एक या दो क्वेश्चन बना लिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो ये निकालेंगे, तो इसके बाद जब हम इसका ए निकालेंगे सपोज, तो ये हो गया, इस तरह से निकालेंगे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये कोफैक्टर का हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, इसके कोफैक्टर्स निकाले और उसका हमने एक मैट्रिक्स निकाल लिया। अब जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू हो जाता है इसका ट्रांसपोज, मतलब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, किसका, a11 का, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, इसका हम निकालेंगे ये ट्रांसपोज, क्लियर, ट्रांसपोज निकालेंगे। दैट मीन्स ट्रांसपोज निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसके जो रो हैं वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, या आपको ट्रांसपोज निकालना पता है, प्रतिकेंद्रज। तो इस तरह से ये हो जाएगा a11, a12, a13, अब a21, a22, a23, और ये a
A31, A32, A33। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इतना लंबे प्रोसेस पर अपन नहीं जाएंगे, सीधा एडजॉइंट ऑफ ए इससे निकलेगा ये वाले फार्मूले से। मतलब हम उसको एक टेक्निक अभी आपको मैं बता दूंगा, उसी टेक्निक से आप निकालना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अच्छा प्रैक्टिस रहे, यदि किसी स्टूडेंट का अच्छा प्रैक्टिस रहे तो किसी का एडवाइस वो ओरल निकाल सकता है, मौखिक निकाल सकता है। जैसे अच्छी प्रैक्टिस आप कर लो तो आपको एक मैं मैट्रिक्स दे दूंगा तो आप उसको ओरल निकाल लोगे। वही चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, हालांकि एग्जाम में डिटेल में निकालना होता है, लेकिन प्रैक्टिस हमारी डायरेक्ट निकालने की होनी चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में अपन बैठें तो बहुत सारे टाइम में हम उसको निकाल के बता दें। क्योंकि इसी के बेस पर फिर हम इन्वर्स पढ़ेंगे और उसी के बेस पर हम पढ़ेंगे कि आगे समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरीके से निकाला जाता है, ये होता है, इसके रो को हम कॉलम बना देते हैं, दैट मीन्स उसका ट्रांसपोज होता है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप ऐसी वर्टिकल पोजिशन में सबका निकालिए और वर्टिकल पोजिशन में उसको रख दिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका एडजॉइंट निकल जाएगा। ये तो हुआ इसका वर्किंग मेथड कि किस तरीके से हम निकालते हैं। बाय द वे इससे आपको बहुत अच्छा क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी एक क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसका हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए और एडजॉइंट निकल, बहुत आसान काम है, बस एक चीज़ ध्यान में रखना, केयरफुली वर्क करने का है। क्योंकि मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम कितना भी उसका नॉलेज हमको रहे, यदि हम हड़बड़ी में काम कर दिए या हम थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो पूरा का पूरा गलत हो जाता है ना। तो चलिए हमारे पास एक इस तरह से एक मैट्रिक्स है और लिखता हूँ मैं मैट्रिक्स और इसका हमको निकालना है एडजॉइंट। तो ये मैट्रिक्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी एक क्वेश्चन अपन सेलेक्ट कर लेते हैं निकाल के लिए। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, -1, -2, -2, -1, -2, -2, नेक्स्ट इज 2, 1, -2, 2, 1, -2, नाउ नेक्स्ट इज 2, -2, 1, 2, -2, 1, क्लियर। ये हो गया, ध्यान देना इसका, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, देखो A11 निकालेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि निकालने का तरीके को आप देखो, कॉलम वाइज निकालो, बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। आप निकालो सीधा सा कॉलम वाइज A11, तो फार्मूला क्या है, -1 का पावर 1 प्लस 1, ये आपको याद है पीछे से, और यहाँ पर ये एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, सारणिक बन जाएगा। इसके लिए इस रो इस कॉलम को तो क्या हो जाएगा, 1, -2, -2, 1, इसको डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, किसी अच्छा प्रैक्टिस के बाद आप सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अब ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 मतलब प्लस होगा, और यहाँ पर इसका आप मल्टीप्लाई करिए, इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये हो जाएगा क्या 1, और ये -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 -4, एक बार लिख दें 1 -4 और इक्वल टू हो जाएगा -3, क्लियर। इसके बाद यही ऐसा आप खड़ी में निकालिए, A11 के बाद A12 निकालिए, A12, तो A12 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, वैसे हम इसको डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, इसलिए डिटेल में लिख रहा हूँ। अब ये देखिए इस तरह से A12 मतलब कौन से एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं अपन, ए है A12, ये है, ये A12 है, तो इसके लिए हम इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट बचेगा अपने पास, ये 2, -2, 2, यहीं पर ध्यान रखना सावधानी से, 2, 1, 2, 1, दैट इक्वल -1 का पावर 3 मतलब ये माइनस हो गया, और अंडर ब्रैकेट ये हो गया 2 और माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +4, दैट मीन्स -6, ये हो गया, क्लियर। अब हम निकालेंगे A13, -1 का पावर 1 प्लस 3, और डिटरमिनेंट्स क्या होगा, A13 का एलिमेंट कौन है अपने पास, A13 का एलिमेंट है ये समझने के लिए मैं राउंड में कर रहा हूँ, बाकी आप लोग उसको ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ोगे, ये 2, 1, 2, -2, 2, 1,
टू माइनस टू दैट इक्वल ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये हो गया माइनस फोर और माइनस टू दैट मीन्स माइनस सिक्स, ये भी माइनस सिक्स आ गया। क्लियर? तो हम ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री निकाल लिए। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे नेक्स्ट ए टू वन, ए टू वन इस रो के लिए ए टू वन निकालेंगे तो टू वन सेकंड रो, ये टू वन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके लिए आप छोड़ेंगे इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ेंगे, इस रो को इस कॉलम को, माइनस टू माइनस टू, पहले तो यहाँ पर हम लिख दें माइनस वन का पावर टू प्लस वन और डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में इसके लिए निकालेंगे ये रो और ये कॉलम, माइनस टू माइनस टू माइनस टू वन, माइनस टू माइनस टू माइनस टू वन और दैट इक्वल, आगे हम सॉल्व कर दें तो माइनस का पावर थ्री यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये हो गया माइनस टू और माइनस फोर, ये प्लस हुआ बीच में माइनस होता है तो इक्वल टू हो गया क्या ये माइनस सिक्स। क्लियर? इसके बाद हम निकालेंगे ए टू टू माइनस वन का पावर टू प्लस टू, डिटर्मिनेंट्स टू टू का एलिमेंट कौन सा है, टू टू का एलिमेंट है ये वन, तो आप इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे माइनस वन माइनस टू टू वन, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू और टू वन टू वन दैट इक्वल माइनस वन का पावर फोर मतलब प्लस हो गया और ये हो गया माइनस वन प्लस फोर दैट इक्वल टू थ्री। क्लियर? अब हम निकालेंगे ए टू थ्री, ए टू थ्री मतलब माइनस वन का पावर टू प्लस थ्री और इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये टू थ्री का एलिमेंट कौन सा है, ये टू थ्री का एलिमेंट है तो आप इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू और इस रो और इसको छोड़ें ये टू माइनस टू टू, यहीं पर मिस्टेक होने का चांस रहता है, थोड़ा सा केयरफुली वर्क करेंगे। मैं बोला ना बार बार यहाँ टैलेंट से ज़्यादा अलर्टनेस का जरूरत है इस मैथमेटिक्स में, इसमें टैलेंट का कोई काम नहीं होता और बिल्कुल फिक्स रटर उठाए पैटर्न है, वो काम सावधानी से करना है बस। माइनस वन का पावर फाइव मतलब माइनस और यहाँ पर हो जाएगा ये टू और ये प्लस फोर इक्वल टू माइनस सिक्स, ये तीनों निकल गए। अब हम निकाल लेंगे ए थर्ड के लिए, ए थ्री वन, ए थ्री वन माइनस वन का पावर थ्री प्लस वन और थ्री वन का एलिमेंट है ये, थ्री वन का एलिमेंट ये है तो इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो इसके कॉलम को माइनस टू और टू माइनस वन माइनस टू माइनस टू वन माइनस टू वन माइनस टू, माइनस वन का पावर फोर माने प्लस हो गया और अंदर हो जाएगा ये हो गया फोर और प्लस टू इक्वल टू सिक्स। अब निकालेंगे ए थ्री टू, ए थ्री टू माइनस वन का पावर थ्री प्लस टू, डिटर्मिनेंट्स ये थ्री टू का एलिमेंट है, थ्री टू के एलिमेंट में आप इसके और इसको कॉलम को छोड़ दोगे तो माइनस वन माइनस टू टू माइनस टू माइनस वन माइनस टू टू माइनस टू, माइनस वन का पावर फाइव मतलब ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस टू और फिर ये भी प्लस हो जाएगा प्लस फोर इक्वल टू माइनस सिक्स और फिर हम निकालेंगे ए थ्री थ्री इक्वल, ए थ्री थ्री इक्वल टू माइनस वन का पावर थ्री प्लस थ्री, ये डिटर्मिनेंट हमारा इस एलिमेंट के लिए हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस वन माइनस टू टू वन, माइनस वन माइनस टू टू वन दैट इक्वल माइनस का पावर सिक्स मतलब प्लस होगा और यहाँ पर ये हो गया वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव। ये हम सब एलिमेंट्स निकालेंगे। इसके बाद देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला किस फॉर्म में होता है, देखिए एडजॉइंट ए का फार्मूला हो जाएगा, जो फार्मूला के ऊपर लिख देता हूँ मैं आपके हाथ में, कॉलम में लिख दो ए वन वन इधर होता था वो हो जाएगा ए वन टू ए वन थ्री जो यहाँ पर निकाल के रखे हैं। इसके बाद इसीलिए कॉलम वाइज निकाला मैं ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री,
A31, A32, A33। आप इसी तरह से निकालिए तो आपको वैल्यू पुट अप करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब एक कॉलम ये हुआ, ये एक कॉलम ये हुआ और एक कॉलम, निकालने का तरीका है तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? हमको कॉलम में लिखना होता है, हम रो में लिख डालते हैं। आदत पहले से बना हुआ है ऐसा लिखने का, क्योंकि इसको ऐसे लिखने का आदत बना हुआ है। तो ट्रांसपोज वगैरह मत करिए, सीधे उसको इसी फॉर्म में लिखिए। तो आगे हम इसको लिख दें, इसके वैल्यू को पुट अप कर दें तो दैट इक्वल ये हो जाएगा। इसको लिख दें, ये जो वैल्यू आया है यहाँ पर -3, -6, -6, -3, -6, -6। सेकंड इज ये -6, -3, -6, -6, -3, -6। और उसके बाद हम इसको लिख दें 6, -6, 5, 6, -6, 5। और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये ट्रांसपोज निकल गया। तो बहुत आसान काम है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, केयरफुली वर्क करना है। ठीक है, एक बार आंसर टेली कर लें अपन इसका, क्या आया आंसर देखिए, क्योंकि कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाने का चांस रहता है करते करते। -3, -6, -3, -6, 6, 3, 6, 3, -6, 6, -6, 3। देखो यहाँ पर कुछ मैं मिस्टेक कर दिया, ये 5 आंसर, ये आंसर में 3 आ रहा है। एक बार चेक करते हैं और कहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया। 6, 3, -6, 6, 3, -6, ये माइनस नहीं प्लस आ रहा है। देखो भाई मैं बोला ना देखो क्या मिस्टेक कर लिया अपन। एक बार मैं चेक करता हूँ सेकंड कॉलम इसमें ना, ये वो -6, अरे सॉरी देखो ये -6 हुआ, बाहर में माइनस का मल्टीप्लिकेशन है, ये मैं करना भूल गया था, ये प्लस हो जाएगा। चलो ये तो सुधर गया, ये सही हो गया। और वहाँ पर 5 में क्या मिस्टेक कर लिया मैं, ये हो जाएगा देखो होता है, ये मैं बोला ना केयरफुली करना है। -1 × 1 ये -1 होगा, -1 + 4 ये 3, इसीलिए आंसर चेक करना जरूरी है। ठीक है, 3 हो गया, ये आंसर है हमारा। तो ये होता है, ये मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा केयरफुली वर्क कर, इसलिए मैंने शुरू में आपको बोला कि कहीं कहीं पर प्लस माइनस ऐसा, क्योंकि ये देखो तो इतना मतलब हम मतलब इस तरह का मैथमेटिक्स है, नंबर 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 बहुत सारे, प्लस माइनस नंबर ऐसा मल्टीप्लाई, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से करने का मैथमेटिक्स है। मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि प्लस माइनस कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और समझाने के लिए होता है। अदरवाइज बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन मुझे उतना प्रेशर नहीं रहता जितना इसमें कि प्लस माइनस का, अब हो ही जाता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस से केयरफुली करना है, क्लियर? बाकी डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से हम एडजॉइंट निकालते हैं, और फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस को आपको प्रॉपर केयर करना है। ठीक है, तो यही हो गया एडजॉइंट। अब हम निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स एक ऐसा टॉपिक है मैट्रिक्स में जिसका एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस 100% होता है। मतलब मैं इतना लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस में आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकता जिसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं पूछा है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के लिए तो मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं कर सकता, लेकिन बोर्ड एग्जाम की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बोर्ड एग्जाम में इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा ही। अब हमारे पास दो मेथड हो जाएंगे, एक पहले वाला जो हम एक्सपांड करके करते हैं उसको, R1 R2 कॉलम, या 15 ट्रिक्स बताया था आपको, याद होगा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने बताया था, और आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट की हेल्प से। क्लियर, तो अब हम पढ़ते हैं प्रतिलोम, सहखंडज के बाद प्रतिलोम। प्रतिलोम निकालने के लिए आप एक काम करना, अभी मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसको आप अपने पुराने मेथड से भी सॉल्व करके देख लेना, 15 ट्रिक्स वाले मेरे मेथड से, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि दोनों मेथड से मैंने बना के देखा एक क्वेश्चन को और दोनों में सेम आंसर आया। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो सिर्फ प्रतिलोम ज्ञात करो बोलेगा, तो अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से बनाना है। और यदि वो बोलेगा कि यूजिंग ऑपरेशंस, मतलब संक्रियाओं का उपयोग करके बोलेगा, तो पीछे वाले मेथड से बनाना है, क्योंकि ये मेथड इन्वर्स निकालेगा एडजॉइंट के बेस पर है। तो अब हम निकालते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स।
आव्यूह का प्रतिलोम, ये फाइंड करना, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। तो यहाँ पर हम एक आपको क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके हेल्प से समझाते हैं। देखिए, मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है अपने पास, सबसे पहले हम उसके फार्मूला पर बात करें, तो वो होता है ए इनवर्स इक्वल, एक फार्मूला मैं पहले बता दूं, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये इसका फार्मूला है। और इस फार्मूला से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस फार्मूला को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एडजॉइंट निकालना, जो अभी हमने सीखा है। तो बोर्ड एग्जाम में एडजॉइंट निकालने का क्वेश्चन नहीं आता, वो इनवर्स निकालने का आता है। क्यों आता है? क्योंकि इनवर्स निकालोगे तो आपको एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने अभी आपको बोला कभी एडजॉइंट के एक बार प्रैक्टिस और हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण मतलब 90% वर्क एडजॉइंट निकालना है, और मॉड ऑफ ए का मतलब होता है जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मॉड। यहाँ पर एक नोट आप ध्यान रखना, यहाँ पर एक नोट आप ध्यान रखना कि मॉड ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो मॉड होता है वह डिटर्मिनेंट हो जाता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो मॉड होगा, मॉडुलस से जब निकलता है, जैसे आपको पता है कि कोई ऋणात्मक संख्या मॉडुलस से निकल के धनात्मक हो जाता है, तो वैसी किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम मॉड के अंदर लिख दें, मापांक के अंदर लिख दें, तो बाहर निकल के डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए का मतलब है जो मैट्रिक्स गिवन है, जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालना है। तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है, ये समझ लो, इसीलिए मैं आपको शुरुआत में ही बोल दिया कि ये मैथमेटिक्स का ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जामिनर ने आपको सब कुछ पूछ लिया। क्या क्या सब कुछ पूछ लिया? कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है कि नहीं, वो पूछ लिया। आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है कि नहीं, ये पूछ लिया। तो कई कॉन्सेप्ट एक ही टॉपिक पर इंक्लूड हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इस पर ये नोट को मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखना, लिख लेना, या तो आपको ऐसा तैयार हो जाएगा। और हम एक क्वेश्चन लेके बहुत बड़ा बड़ा इसमें सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा इसको बोर्ड को 2-3 पार्ट में बांट दूं और अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं दिया ना, स्टार है ये। ये हमारा डिटर्मिनेंट्स है, कोई भी एक क्वेश्चन अपन इसके ले लेते हैं इनवर्स निकालने के लिए। एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, वन थ्री थ्री। देखो, जनरली आपको समझाने के लिए जब मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ उसको आपको ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं समझना, या तो वो एनसीईआरटी का होगा, आरडी शर्मा का होगा, या बहुत सारे एग्जाम में वो क्वेश्चन को पूछा गया होगा। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस समझाने के लिए, बाकी पूरा प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो इसलिए मैं अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये हो गया 133। इसके बाद 143, 143, 134, 134। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता है सीधा क्या निकालना है अपने को, एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि सब पहले एडजॉइंट निकालेंगे। तो यहीं पर हम निकालना स्टार्ट करते हैं A11। अब मैं यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना। एक मैट्रिक्स बता देता हूँ आपको, यदि ये दोनों का योग इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो प्लस लिखना है। और एक बढ़िया ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये सबसे बेस्ट ट्रिक्स है। ठीक है, इससे पहले मैं डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा डिटेल में समझाना था। तो बिल्कुल उसका आइडिया है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो लास्ट में मैं साइन को चेंज कर दूंगा। देखिए, अब मेरे ट्रिक्स से आप काम करना शुरू करिए। तो यहाँ पर मैं लेंदी फालतू नहीं लिख रहा हूँ उसको, मैं ये मैं डिटर्मिनेंट्स बनाया यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट्स बना के सीधा इस एलिमेंट के लिए साल्व कर रहा हूँ। इसके लिए ये रो कॉलम छोड़ा और सीधा ये, ठीक है, 4 3 3 4, दैट इक्वल 16 माइनस 9,
क्लियर। तो कितना हो गया 7, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 हो गया। अब देखो आसानी से निकल जाएगा, वैसे ही a12, अब यहाँ पर माइनस लगा दिया मैं पहले से, क्योंकि प्लस के बाद क्या होता है माइनस होता है, तो ऐसे ही माइनस लगा दिया। तो दैट इक्वल यहाँ पर माइनस पहले से लगा दिया मैं, वो पावर और लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए साल्व करेंगे अपन, इसके लिए साल्व करेंगे तो ये रो को आप कॉलम को छोड़ोगे 1314 एक बार लिख देता हूँ, अच्छा 1314 तो ये हो गया 4 - 3 = -1। इसके बाद निकाल लेंगे अपन a13, तो प्लस होगा प्लस माइनस प्लस a13, इसके लिए हम साल्व करेंगे ये रो कॉलम छोड़, 1413 दैट इक्वल ये हो जाएगा 3 - 4 = -1। तो ये हमने एक रो का एलिमेंट निकाल लिया, ये इतना ये निकाल लिया। इसी तरह से अब हम निकाल लेते हैं क्या a21, अब तो आप समझ गए होंगे a21 इक्वल, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो गया यहाँ पर, ऐसे भी 2 + 1 = 3 मतलब माइनस, बहुत कॉन्सेप्ट है उसके। इस एलिमेंट के लिए आप सॉल्व करोगे, इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करोगे ये रो कॉलम 3 - 3 = 3 - 3 = 4 ये हो जाएगा, दैट इक्वल ये हो गया 12 - 9 = 3 ठीक है, उस साइड भी जरूरत पड़ेगा, ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं a22, तो प्लस हो जाएगा ये 22 में, इसके लिए साल्व करोगे आप, जब इसके लिए साल्व करोगे ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे 1314 यहीं पर ध्यान रखना 1314 दैट इक्वल, यहाँ देखो माइनस लिखना भूल गया फिर मैं ना, यहाँ बाहर में माइनस है, ये माइनस, ये छोटा सा मिस्टेक पूरा गड़बड़ कर देगा, ध्यान रखना -3। यहाँ पर फिर क्या होगा 4 - 3, बता रहा हूँ इसमें केयर बहुत ज़्यादा केयर करने जरूरत होता है, और वही वही करते करते दिमाग फिर थोड़ा इधर उधर हो जाता है वही वही काम 2 - 3 - 2 ये माइनस हो गया। हाँ तो किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए ठीक है, तो ये वाला रो और एक कॉलम छोड़ोगे ये वाला कॉलम 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 दैट मीन्स ये माइनस 3 - 3 = 0 बेस्ट डिजिट, यहाँ पर जीरो के साथ माइनस नहीं लिखेंगे, जीरो माइनस नहीं होता ना कभी भी, ऐसा आया क्या ये क्यों ऐसा आया, देखो 2 - 3 - 2 - 3 है ना, इस रो को छोड़े अपन इस कॉलम को 1 - 3 - 1 - 3 है ऐसा है ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे a31 ठीक, तो एक अपने को इसको मैं यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए घेर देता हूँ, एक रो हमको ये मिल गए, ये तीनों मिल गए ठीक है। अब हम निकालते हैं a31, तो प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस ए प्लस रहेगा 3 + 1 = 4 - 3 - 1 - 3 - 1 ये रो ये कॉलम 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 इक्वल 3 - 3 - 9 - 12 = -3 3 - 12 क्लियर। इसके बाद a32 ये माइनस हो जाएगा 3 - 2 ये एडजॉइन निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये रो ये कॉलम छोड़ोगे तो 1 - 3 - 1 - 3 यहाँ पर भी वही आएगा 1 - 3 - 3 = -3 - 3 = 0 और अब हम निकाल लेंगे a33 तो ये प्लस होगा और इस एलिमेंट के लिए साल्व करेंगे तो ये रो कॉलम 1 - 3 - 1 - 4 - 1 - 3 - 1 - 4 दैट इक्वल ये हो जाएगा 4 - 3 = 1 तो एक हमारा कॉलम हो गया ये। अब हम डायरेक्ट इसके एडजॉइंट लिख देंगे ठीक है, मेंबर्स लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो एक बार डिटेल में लिखना है यहाँ पे एक बार लिख लेना, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ
तो एडजॉइंट ऑफ ए, एक बार आप उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, एक बार आप उसको उस फॉर्म में लिख लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 7 माइनस 1 माइनस 1 इसका -3 1 0 -3 1 0 -3 0 1 -3 0 1 ये इसका एडजॉइंट हो गया, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसका मॉड निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद उसका मॉड निकालना है अपने को, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0। अच्छा हाँ, एक यहाँ पर ध्यान रखना, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं रहेगा ना, ये मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, ये मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद आंसर में मैं सीधा डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया था, वो आप करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स क्यों, मैट्रिक्स क्यों रहेगा, क्योंकि हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा। शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि पहले एडजॉइंट में मैंने सीधा मॉड लगा दिया था, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। अब ये निकल गया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका मॉड ऑफ ए, अब वो डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा। तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए इक्वल टू, अब ये निशान ऐसा हो जाएगा, किसका, हमारा क्वेश्चन का, तो 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि मॉड ऑफ मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट्स, तो जैसे मॉड लगाएंगे या मैट्रिक्स का साइन डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ जीरो लाने का चक्कर नहीं है, वैसे दो जीरो तो अपने आप आ जाएगा, दो जीरो तो तुरंत आ जाएगा, तो ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते, जीरो लाने के चक्कर में मत रहना, आपकी मर्जी है। जैसे एकदम आसानी से आ रहा हो तो चलो कर ही देते हैं, एकदम आसानी से आ रहा है तो ठीक है, क्या करेंगे, एक ऑपरेशन इसमें लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ये रो है R1 tends to R1 minus R2 और R2 tends to R2 minus R3, इससे थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसमें इसको माइनस कर रहे हैं जीरो, इसमें इसको माइनस करेंगे तो -1, इसमें करेंगे तो 0, इसमें इसको माइनस करेंगे 0, इसमें करेंगे तो 1, इसमें करेंगे तो -1। देखो एलिमेंट्स छोटे हो गए, 1 3 4। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो 1 के लिए ओपन करेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 1 हो गया -0 दैट इक्वल टू, ये तो 1 आ गया, तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको निकालना है इसका इन्वर्स, तो फार्मूला लगा देंगे, therefore a inverse equal to हो जाता है क्या, फार्मूला adjoint of a upon mod of a that equal, adjoint of a हम ये निकाल के रखे हैं तो हो जाएगा ये 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 and 1, और अपान में 1, यदि यहाँ पर mod of a का वैल्यू 1 नहीं आता तो उससे अपान में उसको लिखते, ठीक है, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये इसके इन्वर्स का आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मैं टेली कर लूँ, ठीक है, तो ओके हो जाएंगे अपन, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है, और बाहर में इसको आप फॉर्मेलिटी के लिए चाहें तो लिख सकते हैं 1 upon m, जिसका जरूरत नहीं है, 1 के अपान में ये 1, ये इसका आंसर होता है। तो देखिए बहुत आसान है, इसमें मेन काम है क्या सॉल्व को निकालना, एडजॉइंट, मैंने कुल मिला के एडजॉइंट ही मुख्य है, और अपान मॉड ऑफ है, तो मॉड ऑफ है तो ऐसा होता है 50 questions सॉल्व कर चुके, पूरा कुछ नहीं है, एक्चुअल हम पीजे के टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर और कुछ नहीं, ठीक है, तो ऐसा इन्वर्स निकाला जाता है, और ये क्वेश्चन 100% हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ, बस सवाल ये है कि इसको आपको इस मेथड से पूछ रहा है कि वो प्रोसेस ऑपरेशन यूज करके, संक्रिया यूज करके पूछ रहे हैं, संक्रिया यूज करके पूछेगा तो वही जो मैं 15 tricks बताया था वैसे बनाना है, ठीक है, तो इस तरह से हम इन्वर्स निकालते हैं। अब इसमें हम इसका एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि भाई इस तरह से इन्वर्स निकालने का उपयोग क्या है, तो इसका हमारा, अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस का और वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी एक आप क्वेश्चन ले लो और उसका इन्वर्स आप लोग निकालते रहो, आसानी से निकलेगा। बाय द वे, कहीं आपको प्लस माइनस करने में मिस्टेक हो जाए
तभी प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जरूरत नहीं। देखो कई मैथमेटिक्स ऐसे हैं जहाँ पर एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब ऐसे ही बनेगा ना, वेराइटी नहीं होती क्वेश्चन की। चलिए अब इसमें हम एक इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, अनुप्रयोग, कि भाई ये जो हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ये काम क्या आता होगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है थ्री वेरिएबल्स वाले जो इक्वेशन होते हैं, तीन चर वाले जो समीकरण होते हैं, उनको ये आसानी से सॉल्व कर देता है इस मेथड से। ये इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। और जब मैं भी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में इसमें 100% क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो डायरेक्ट इन्वर्स निकालने के लिए बोलेगा, और यदि आपको डायरेक्ट इन्वर्स निकालने नहीं बोलेगा तो अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पूछेगा। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ पूछता है, या तो इन्वर्स निकालना या ये इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ कि सॉल्व किस तरह से करते हैं। अपन देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, रेखीय समीकरण को हल करना समझ लीजिए, रेखीय समीकरण का सिस्टम। थ्री वेरिएबल्स वाला यहां पर हम पढ़ते हैं, थ्री वेरिएबल्स वाला रेखीय समीकरण को हल करना सीधी सी बात है। तो यहां पर हम आपको फार्मूला समझाने के लिए इस प्रकार से एक इक्वेशन इस फॉर्म में लेते हैं। देखिए सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ऐसा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मैं पहले फंडामेंटल क्लियर कर दूं आपको, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू। ये तीसरा इक्वेशन सपोज ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीन समीकरण आपको देगा और उसमें तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले यहाँ हम एक मैट्रिक्स लिख लेंगे एक ए के लिए। तो ए मैट्रिक्स जो होगा वो कैसे बनेगा देखिए, ए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम, इसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट हैं, गुणांक हैं, उनको लगे मैट्रिक्स से बनेगा। मतलब इसका कोफिशियंट ए वन बी वन सी वन, तो मैट्रिक्स बन जाएगा ए वन बी वन सी वन, इसका ए टू बी टू सी टू, फिर ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद b इक्वल टू, तो बी मैट्रिक्स बनेगा इसके कांस्टेंट वैल्यू को लेके, मतलब किनको लेके, d1 d2 d3 डी थ्री, इनको लेके b मैट्रिक्स बनेगा। और एक मैट्रिक्स बनेगा x इक्वल, और ये लगेगा वेरिएबल्स लेके x y z, इस फॉर्म में मिलेगा। मतलब जैसे आपको इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन को लेके ये आपको बना लेना है। अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। और देयरफॉर इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, ये इसका फार्मूला है। कि लेफ्ट हैंड साइड में x को लिखेंगे इसको, और राइट हैंड साइड में जो a है उसका इन्वर्स निकालेंगे। मतलब देखो ये एक ऐसा चीज़ हुआ कि इसमें तो सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। मतलब आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा, इन्वर्स निकालने के बाद जो b है ये जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का भी आपको टेस्ट हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर फिर हमको क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप मेमोरी में रखिए जैसा भी। अब मैं लेता हूँ इस पर एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन को लेकर फिर अपन क्या करते हैं उसको पूरा सॉल्व करते हैं और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लें इसमें और उसको सॉल्व करें एक बार। फिर आपको एडजॉइंट निकालने का और इन्वर्स निकालने सब का प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे पूरा पीछे का एक बार पूर्णतः रिवीजन हो जाएगा, और एक क्वेश्चन ही सफिशियंट है आपके प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए एक आध दो क्वेश्चन आप कर लेना, इसलिए हम इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज पर क्वेश्चन फोकस नहीं करेंगे। चलिए कोई एक क्वेश्चन ले लें, इसमें एक बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन इसको लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है 3x-2y+3z, ये हमारा क्वेश्चन है 3x-2y+3z, -2y+3z ना, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 3z = 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद 2x+y-z, 2x+y-z, 2x+z = 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन थर्ड है 4x-3y+2z, 4x-3y+2z = 4। अब इन तीनों समीकरणों को हल करके, यदि इसी को हम यहाँ पर, आपको समझ में आएगा कि इतना डिटरमिनेंट मैट्रिसेस अपन करते रहे उसका क्या उपयोगिता है। यदि इसको हमको सामान्य विधि से हल करने के लिए बोला जाए तो ये बहुत कठिन हो सकता है, और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसको साल वो करते नहीं बनता, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन मैट्रिक्स एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए अभी मैं मेथड बताया उसके हिसाब से सीधा इसका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। यहाँ a इक्वल टू, ये हमें लिख रहा हूँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 -2 3 2 1 -1, इसका गुणांक 1, इसका -1, फिर हो जाएगा 4 -3 and 2, ये हो गया a। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 1 4, ये b हो गया। एंड x इक्वल टू आप लिख लोगे x y z, ये अभी फार्मूला बताया, ये हो गया क्लियर। मैंने बोला था a का वैल्यू a1 b1 c1, इसका वैल्यू d1 d2 d3, ये लिख लिए। अब इनके वैल्यू लिखने के बाद तीनों का, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम a b c तीनों का वैल्यू लिखने के बाद अब हमारा पूरा काम इस पर डिपेंड है, क्योंकि हम इसमें इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला, जैसे कि फार्मूला एक बार लिख दूं क्या यहाँ पर मैं, देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x = a inverse b, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला के बेस पर हमको काम करना है, तो हमारा मुख्य काम क्या है, a इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट a निकालते हैं, अब हमारा पूरा काम इस पर फोकस है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं a11 निकालेंगे इस तरह से, इस एलिमेंट के लिए अपन छोड़ेंगे ये रो ये कॉलम को, तो 1 -1 1 -1 -3 2, दैट इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 और माइनस ये हो गया 3, दैट मीन्स -1, क्लियर। नेक्स्ट निकालेंगे अपन a12 निकालेंगे, तो ये 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, क्योंकि माइनस होगा बाहर। और इस एलिमेंट के लिए हम सॉल्व करेंगे, देखिए इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -1 2 -1 4 2 4 2, दैट इक्वल माइनस ये हो गया 4 और ये प्लस 4, दैट मीन्स -8, क्लियर। अब हम निकालेंगे a13 इस एलिमेंट्स के लिए निकालेंगे, तो जब हम उसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 2 1 4 -3, दैट इक्वल ये हो जाएगा -6 और -4, दैट इक्वल -10। ठीक है, साइन को ध्यान रखना ना, इसका जो प्लस माइनस का होता है, ये हो जाएगा पहला कॉलम का एलिमेंट्स। अब हम निकालते हैं क्या, a21 दैट इक्वल ये माइनस होगा, और माइनस के बाद यहाँ लिखे अपन 21 के लिए, दैट मीन्स इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करें अपन इसको, तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम, -2 3 -2 3,
और माइनस थ्री टू दैट इक्वल, ये बाहर माइनस, ये हो गया माइनस फोर और ये प्लस सिक्स, दैट इक्वल ये प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस प्लस होता है तो ये कितना आएगा टू, माइनस टू, ये हो गया माइनस टू हो गया हमारा, ए टू टू, कॉलम वाइज ही निकालना अदरवाइज इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना, टू 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 मतलब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे, ये रो ये कॉलम, थ्री थ्री फोर टू, थ्री थ्री फोर टू दैट इक्वल यहाँ सिक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस सिक्स ना, माइनस सिक्स हो गया ये, क्लियर, ए टू थ्री ये माइनस हो जाएगा बाहर, और टू थ्री एलिमेंट क्या होगा, ये टू थ्री एलिमेंट होगा हमारा, टू थ्री एलिमेंट इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, थ्री माइनस टू फोर माइनस थ्री, थ्री माइनस टू फोर माइनस थ्री, फोर बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना साइन के, इसमें थोड़ा सा केयर करके काम करना होता है, ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया माइनस नाइन और ये प्लस एट इक्वल टू हो गया वन, क्लियर वन हो गया। अब ये हमारे हो गए, ये एलिमेंट हो गए हमारे सेकंड सेकंड रो के, अब हम निकालते हैं थर्ड रो के लिए एलिमेंट, तो हो जाएगा ए थ्री वन, तो थ्री वन फोर ये प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, थ्री वन एलिमेंट हमारा ये है, थ्री वन एलिमेंट के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस टू थ्री, माइनस टू थ्री, वन माइनस वन, वन माइनस वन दैट इक्वल ये हो गया टू और माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन, क्लियर, ए थ्री टू, ए थ्री टू में बाहर माइनस हो जाएगा क्योंकि तीन दो पाँच ये माइनस हो गया, थ्री टू एलिमेंट ये है अपना, और इसके लिए ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम, थ्री थ्री टू माइनस वन, थ्री थ्री टू माइनस वन दैट इक्वल माइनस ये हो गया थ्री और माइनस ये थ्री नहीं ना माइनस थ्री हुआ, ये थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री हुआ और थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स दैट मीन्स ये माइनस नाइन हुआ और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस नाइन हो गया। अब हम निकालेंगे ए थ्री थ्री दैट इक्वल ये प्लस होगा, ए थ्री थ्री इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे ए थ्री थ्री, तो थ्री 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 माइनस टू टू वन, थ्री माइनस टू टू वन दैट इक्वल ये थ्री और प्लस फोर इक्वल टू सेवन, ठीक है। अब ये हमारा निकल गया थर्ड रो, इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हैं हम एडजॉइंट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट्स को सब लिख देते हैं अपन जो हम निकाल के रखें, फर्स्ट रो में माइनस वन माइनस एट माइनस टेन, माइनस वन माइनस एट माइनस टेन, सेकेंड इज माइनस टू माइनस सिक्स एंड वन, थर्ड इज माइनस वन नाइन एंड सेवन। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए अपन निकालेंगे, मॉड ऑफ ए इक्वल, अब ये मॉड में ए का जो वैल्यू अपने पास है ए यही है, थ्री माइनस टू थ्री, थ्री माइनस टू थ्री, टू वन माइनस वन, फोर माइनस थ्री टू, इसको डायरेक्ट अपन ओपन करके सॉल्व करते हैं, थ्री के लिए सॉल्व करेंगे, थ्री रो कॉलम छोड़ेंगे हो जाएगा टू और माइनस थ्री, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस टू के लिए, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो फोर
और ये प्लस 4, और प्लस 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 के लिए रो कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस 6 और ये माइनस 4, दैट इक्वल यहाँ पर हो गया माइनस 3 प्लस 4 4 8 टू जा 16 और माइनस 6 4 10 ही हो गया 30, दैट इक्वल टू ये 33, 16 में 3 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 13 और माइनस 17, क्लियर, ये हो गया मार्डा। अब देखो इसके बाद हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला है अपने पास, दैट इक्वल मॉड ऑफ ए का वैल्यू ये तो माइनस 1 अपॉन 17, इसको बाहर लिख दिया अपॉन में, और ये हमको एडजॉइंट ए लिखना है, एडजॉइंट ए का वैल्यू अपने पास क्या है, ये माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 6 1 माइनस 1 9 7, क्लियर। अब इन्वर्स निकालने के बाद ये अपने पास फार्मूला होता है, तो सीधा उसको हम सॉल्व करेंगे कि देयरफॉर एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी से, तो एक्स का वैल्यू अपने पास एक्स वाई जेड, ये होता है एक्स का वैल्यू, और दैट इक्वल ए इन्वर्स ये अपने पास माइनस 1 अपॉन 17 और ए का वैल्यू माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 6 1 माइनस 1 9 एंड 7 और इन टू बी का वैल्यू, ये बी का वैल्यू दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो बी का वैल्यू अपने 814, देखिए यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का आप ऑर्डर देख लो, ये 3x3 है और ये 3x1 है, तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और वहाँ पर रिजल्ट आएगा 3x1 का, तो यहाँ पर हम केयरफुली देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 17, यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन को लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना मल्टीप्लीकेशन, माइनस 1 का मतलब सबसे पहले इस रो का ये पूरे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा देखिए, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 4 ये हो गया माइनस 4, क्लियर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 17 है, इसके साथ में कैंसिल आउट होना चाहिए, ये हो जा रहा है 14 माइनस 4 माइनस 4, वहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, माइनस 4 ये जो है माइनस 1 है ना, माइनस 1 के साथ इसका माइनस 4 माइनस 1 9 7 माइनस 1 9 7 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6, यहाँ पर माइनस 2 ही होगा, यहाँ पर माइनस 6 ही होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, एक मिस्टेक होगा यहाँ पर वैल्यू, सिक्स माइनस 4 2 माइनस 2 हुआ, यहाँ पर प्लस माइनस, अरे सॉरी देखो यहाँ पर दोनों को ऐड कर, 3 माइनस 9, अरे ये डिजिट्स का यही चक्कर है, 9 वहाँ पर क्योंकि ऑब्जर्व हो जाता है कि इसको 17 आना है, कैंसल आउट होना चाहिए उसको, तब उसका वैल्यू निकल पाएगा, ऐसे में तो सॉल्व ही नहीं होगा वो, तो ये हो जाएगा ये 9 होगा और 5 होगा, सॉरी देखो इसको चेक कर लेना भाई ना, ये हो जाएगा माइनस 5, यदि माइनस 5 हुआ सेकंड रो एडजॉइंट में, ये माइनस 5 होगा, और जब माइनस 5 होगा तो माइनस 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 को 1 के साथ में, ये हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 17 आएगा,
वो ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि इसको इसके साथ कैंसल आउट होना चाहिए, तो आपको मिस्टेक ऐसा पकड़ में आ जाएगा कहाँ से मिस्टेक हुए। तो यहाँ पर चेक कर लेना ना, यहाँ पर मैं इसको 6 लिख लिया था जबकि 3 का कितना होगा 9 माइनस वन प्लस होगा, क्लियर। अब सेकंड रो को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसका सेकंड करें तो माइनस 8 का 8 के साथ में माइनस 64, 8 8 64 माइनस 6, माइनस 6 होगा और 9 4 36। इसको भी चेक कर लें कितना आता है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस 80, माइनस 80 इसके साथ में 1 को 1 के साथ में प्लस 1 और 9 4 36। माइनस 10 के 8 के साथ में माइनस 80, 1 को 1 के साथ में 7 के साथ 4 28 28, क्लियर। अब ये मैं बीच वाला पोर्शन इरेज करूंगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं आगे उसको सॉल्व करूंगा तो इस पोर्शन का मुझे जरूरत पड़ेगी। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन मैं इरेज करता हूँ और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको आपको प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखो दो लाइन का काम है, पूछ नहीं है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या एक्स वाई जेड, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस 1/17। अंदर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 4 12 15, ये माइनस 17 हो गया, ठीक है। इसमें 64 में ये माइनस 70, 36 माइनस करेंगे तो 34, ये 34 हो जाएगा, क्लियर। और माइनस 80 में 29 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 51। दैट इम्प्लाइज एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस 1/17 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इसके साथ ये 2 इसके साथ ये 3। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू प्रॉपर पता चल जाता है, ऐसे आप चेक कर सकते कहीं मिस्टेक हो तो। अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद हम इसका कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। ये बहुत आसान प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, तो देयरफॉर आगे लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ये है x, y, z के वैल्यू, ये इसका आंसर है, क्लियर। तो देख लीजिए इस तरह से थ्री वेरिएबल्स वाला आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप ए बी और एक्स का वैल्यू लिखोगे। सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका इन्वर्स निकालना, जिसके लिए सबसे पहले इसके एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसका हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के बाद आप मॉड ऑफ ए निकाल के यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो। तो इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लो एक बार अच्छे से, इसके बाद कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा सबको एक ही पैटर्न से आपको सॉल्व करना है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूरत, काम केयरफुली करना है, ठीक है। देखिए मैं खुद यहाँ पर जैसे मिस्टेक कर लिया, प्लस माइनस का मिस्टेक बहुत कॉमन बात है, केयरफुली वर्क करेंगे तो नहीं होगा। तो आज यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक है 100% कंप्लीट होता है। हमने सब टॉपिक आपको पढ़ा दिया, मैट्रिक्स भी पढ़ा दिया, डिटर्मिनेंट्स पढ़ा दिया, और आप लोग को कैलकुलस का बहुत दिन से इंतजार था, तो बहुत जल्दी हम कैलकुलस का टॉपिक लेके आपके लिए आएंगे, और हो सके तो उसके पहले मैं सोच रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में आप रहिए, ओके, थैंक यू।